आज सुबह जो बात मैंने कही कि हाथरस की सीमा सील क्यों की गई, गांव की बाड़ेबंदी क्यों हुई, किसके आदेश से हुई, मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगा, सांसद विधायक किसी दल के हो उनके फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध कैसे लग गया, किस धारा के तहत लगा, हिंदुस्तान का कौन सा कानून ये कहता है, 144 भी मान लूं तो इंडिविजुअल को आने जाने की रोक तोड़े ना है 144 में, क्या कर्फ्यू है हाथरस में तो कलेक्टर को लिखना चाहिए कि कर्फ्यू इंपोज कर दिया, देखते ही गोली मार दी, नहीं मार दी जाएगी, और उसकी वजह बतानी चाहिए कि कर्फ्यू कैसे इंपोज कर दिया उसने। वही बात जो सुबह मैंने कही, वही बात अभी से दो मिनट पहले उमा भारती ने कही है। वो मीडिया से नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, केंद्र में मंत्री रही, 4-5 बार सांसद है, राम जन्मभूमि आंदोलन की बड़ी नेता थी। उमा जी ने कहा कि लोगों को उन्मुक्त आवागमन की अनुमति होनी चाहिए, यह अनर्थकारी निर्णय है। जिस परिवार ने बिटिया खोई उसके आंसू पोंछने के लिए कोई उसके घर नहीं जा सकता, उसकी अस्थियां वहां पड़ी हैं, कोई फूल चुनने वाला नहीं, फूल चुनने की इजाजत नहीं। कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया हाथरस को और उस गांव को, यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। मैं कहता तो यह भी कह देते कि ये तो भाई मीडिया वाले हैं, उमा भारती तो आपकी ही है ना, और छोटी नेता भी नहीं है कि मोहल्ले टोले की नेता है। और उमा भारती ने यह भी कहा है कि अभी कोरोना से ग्रस्त हूं, ऋषिकेश में एम्स में इलाज करा रही हूं, जैसे ही निगेटिव आऊंगी सबसे पहले हाथरस में उस बेटी के घर जाके बैठूंगी। तब क्या करिएगा, तब लाठी चलाएंगे कप्तान साहब कि गोली चलाएंगे? मैं हैरान हूं ये कुरुक्षेत्र में क्यों तब्दील कर दिया, उस गरीब के घर जाने पर रोक क्यों, किस कानून के तहत रोक है? नातेदार नहीं आ पा रहे, रिश्तेदार नहीं आ पा रहे, सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया, नोमेंस लैंड बनाएंगे हाथरस को या एलएसी बनाना चाहते हो? तमाशा की इंतहा होती है। और मुझे इस बात पर भी हैरानी है, वहां का कलेक्टर, वहां का एडीएम, क्या नाम है, मीणा जी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, वहां का एसपी, वहां का एडिशनल एसपी, इन लोगों के खिलाफ अब तक सस्पेंशन हो जाना चाहिए था और एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी इन लोगों के खिलाफ, तो अब हो रही है, तब हो रही है, अब हो रही है, तब हो रही है, अभी तक क्यों नहीं हुई? इनको जेल में होना चाहिए था, और जेल नहीं तो कम से कम थाने का लॉकअप तो होना चाहिए था। ये हिंदुस्तान है भाई, दुख में सुख में लोग जाते हैं, हम लोग इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए और बड़े हुए, गमी में दूर दूर से लोग आते हैं शोक संवेदना व्यक्त करने, ये तो गनीमत है, सेना नहीं बुला दी कलेक्टर ने, वहां नहीं तो सेना भी लगा देता। कैसा कैसा मंजर है जो हमारी आंखें देख रही हैं? मैंने ऐसे अधिकारी कभी नहीं देखे अपने जीवन में, कैसे विचित्र चलचित्र अजीब से अधिकारी हैं, मुझे पता नहीं कहां से प्रकट हुए ये लोग, नाक कटा दी, नाक कटा दी, चेहरा स्याह कर दिया इन लोगों ने, और फिर भी मजे की बात ये देखिए, इनके माथे पर शिकन नहीं, इनके माथे पर शर्मिंदगी का भाव नहीं, इनके माथे पर पश्चाताप की कोई रेखा नहीं, थेतरई हो रही है, थेतरई। एक एडिशनल एसपी है वहां का, जैन साहब हाथरस का,
उसका मैं वीडियो देख रहा था, वो ज्ञान दे रहा है कि जब तक एसआईटी की जांच चलेगी तब तक गांव सील रहेगा। किस कानून के तहत सील रहेगा भाई, किस कानून के तहत सील रहेगा? सीबीआई किसी देशव्यापी मामले की जांच करे तो पूरा देश सील रहेगा क्या? ये कौन से जड़ी बूटी खा के आए भाई? कैसे कैसे लोग हैं जिनके हाथ में प्रशासन आ गया हाथरस का? मैं स्तब्ध हूं, समझ ही नहीं पा रहा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, हे प्रभु दया करो महाराज।